हमारे ट्रेवल इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं रानीखेत की यात्रा पे, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। रानीखेत बहुत ही शांत और सुंदर हिल स्टेशन है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हम दिल्ली से बायां हापुड़ बाईपास होते हुए रामनगर होते हुए रानीखेत जा रहे हैं, और देखिए कितना कोहरा है रास्ते में, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। गाड़ी भी बड़ी संभाल के चलानी पड़ रही है। आता हुआ ट्रैफिक जो कि रामनगर की तरफ जा रहा है, और ये रामनगर होते हुए हम बाया रानीखेत जाएंगे। बीच में हमारी गाड़ी में कुछ दिक्कत आई थी टायर में, तो हमने MRF के शोरूम से एक टायर खरीदा और उसे अब व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराएंगे। शोरूम भी अच्छा लग रहा है, काम भी ठीक ठाक परफेक्ट है। दिल्ली से रानीखेत जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक बाया रामनगर होके जाता है जिमकोट पर होता हुआ, एक बाया नैनीताल जाता है। हमने रामनगर से जाने का रास्ता चुना और आने का रास्ता नैनीताल होते हुए आने का चुना। ये हम पहाड़ों में प्रवेश कर चुके हैं और देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। आप भी नज़ारों का मजा लीजिए। रानीखेत बिल्कुल शांत और सुंदर हिल स्टेशन है। रानीखेत से हिमालय की चोटियाँ बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं। जिन्हें शांति और सुकून पसंद है वो कुछ दिन यहाँ बिता सकते हैं। अब रानीखेत पहुँचने की बात करें तो रानीखेत बस मार्ग से सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रानीखेत दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर और नैनीताल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रेल मार्ग से बात करें तो रेल मार्ग का नियर रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कि 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कब जाएं तो 12 महीने में कभी भी जा सकते हैं, बरसात में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बरसातों में पहाड़ वगैरह खिसकने की ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड ही करें। ये देखिए पहाड़ों के क्या शानदार नज़ारे हैं। हमने चार दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया। जैसा कि सब आप लोग सब जानते हैं कि हमारा ट्रेवल इंडिया के नाम से फेसबुक पे भी ग्रुप है, जो कि पिछले 6-7 सालों से काम कर रहा है। जगह जगह की टूरिस्ट की पहले से की जानकारी उपलब्ध कराता है, और जिसमें तकरीबन 5 लाख मेंबर हमारे हो चुके हैं। जिसको कोई जगह की जानकारी लेनी होती है तो हमें मैसेज इंस्टाग्राम पे करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सुंदर और शांत
वातावरण है रानीखेत का। आप एक दो दिन घूम रुक कर भी यहाँ आनंद ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग नैनीताल वगैरह घूमने आते हैं तो इसको साइट सीइंग में लेकर एक दिन में घूम के वापिस चले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप यहाँ पे एक दो दिन बिताएं, प्रकृति का आनंद लें। रानीखेत पूरा मिलिट्री एरिया है, इसलिए कुछ यहाँ पे प्रतिबंध भी हैं ड्रोन वगैरह के ऊपर। रानीखेत पूरा देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये देखिए क्या शानदार नजारे हैं रानीखेत के देवदार के पेड़ों के। सुंदर मार्ग है। ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे देवदार के पेड़, इनकी मीठी मीठी खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। ये हम रानीखेत पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर रह गया है यहाँ से रानीखेत। कितनी शांत और कितनी सुंदर जगह।
ये देखिए अब हम रानीखेत पहुंच चुके हैं और ये है रानीखेत का माल रोड। ये सबसे बड़ा चौराहा है यहाँ का, इसको बोलते हैं हम गांधी चौक। यहाँ पे बस, टैक्सी स्टैंड और सब जरूरत की सामान है की दुकानें यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे ठहरने के लिए कुमाऊं मंडल निगम का एक रेस्ट हाउस भी है माल रोड पे ही, और कुछ प्राइवेट होटल भी हैं। तो आप ये गूगल पे सर्च करके स्टे के लिए इनमें प्री बुकिंग करा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर माल रोड है, यहाँ पे जरूरत की सभी सामान है उपलब्ध हो जाता है। वैसे तो रानीखेत में घूमने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ रुकने का अपना अलग ही आनंद है। एक दो दिन आप शांति चाहते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं, बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। घूमने की बात करें तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स ग्राउंड है, माल रोड है एक जिसपे हम चल रहे हैं, एक कालिका देवी टेम्पल है, एक चौबटिया गार्डन है जिसमें सेब के बाग हैं, बिंथर महादेव जी का मंदिर है, एक करारमल सूर्य मंदिर है, 10-15 किलोमीटर की दूरी पे द्वारा हाट अच्छा हिल स्टेशन है, झूला देवी मंदिर है, ठहरने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, जैसा आप उचित समझे वहाँ ठहर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा आप चाहें वैसा रूम आप ले सकते हैं। माल रोड पे ही क्या ही होटल, कुमाऊं मंडल वालों का रेस्ट हाउस भी उपलब्ध है, नेट पे चेक करके आप उसे प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। हमने यहाँ एक नाइट स्टे किया, इसके बाद हम नीम करोली बाबा के दर्शन करते हुए और नैनीताल पहुंच गए। ये देखिए ये है रानीखेत का बस अड्डा, यहाँ से आपको हर जगह की बस उपलब्ध हो जाएगी। लोकल साइड सीन घूमना चाहते हैं तो आप कोई प्राइवेट टैक्सी करके घूम सकते हैं, जो आपको पूरे दिन में सारे साइड सीन घुमा देगी, जो आपको होटल वाले ही सब चीज़ उपलब्ध करा देंगे। अब ये देखिए यहाँ का गोल्फ ग्राउंड, शाम होने की वजह से ये बंद है, ये लगभग 5 बजे करीब बंद हो जाता है, नहीं तो इसमें आप अंदर भी जा सकते हैं अगर हम 5 बजे से पहले आते आते तो। देखिए शानदार बोर्ड
रानी खेत नाम ही इतना सुंदर है, रेलवे स्टेशन की बात ही क्या। ये देखिए पूरे देवदार और चीड़ के पेड़ों का पूरा फॉरेस्ट, यहाँ हमने खाना वाना बनाया, मैगी बनाई पूरे जंगल के अंदर, पूरा देखो खाना बनाने का पूरा एंजॉय लिया और सब सामान हम घर से ही साथ में लेके गए थे। हमारे पास कुर्सी, टेंट, खाना बनाने का हर सामान गाड़ी में उपलब्ध रहता है। लेट होने की वजह से अंधेरा हो गया, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी से काम खाना बना बनाया। हमारा मन तो यहाँ कैंपिंग करने का भी था, लेकिन अंधेरा हो गया था और लेट हो गए थे और ठंड यहाँ बहुत ज्यादा थी, तो हमने होटल में ही नाइट स्टे करने का विचार बनाया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।